स्टैंडर्ड थर्ड ईवीएस, रिवीजन ऑफ सेक्शन डी। टू आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दिस गिवन इन ब्रैकेट्स बिलो। फर्स्ट वन, व्हाट इज फादर्स मदर नो एज दादी। व्हाट विल यू कॉल योर मदर सिस्टर मासी। व्हाट इज फादर सिस्टर्स हस्बैंड नो एज फुआ। व्हाट विल यू कॉल योर एल्डर ब्रदर्स वाइफ भाभी। व्हाट इज काकास वाइफ नो एज काकी। सिक्स्थ वन, व्हाट विल यू कॉल योर फादर्स एल्डर ब्रदर मोटा बापा। सेवन्थ वन, व्हाट इज मदर्स ब्रदर्स वाइफ कॉल्ड मामी। एट वन, व्हाट इज द सिस्टर्स हस्बैंड नो एज बनेवी। व्हाट विल यू कॉल योर फादर सिस्टर फोई। व्हाट इज मदर्स ब्रदर नो एज मामा। राइट द नेम्स ऑफ देयर फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट and three that you dislike, like laddus, pakoras, jalebis, and dislike khichdi, sira, millet rotla. आपको यहाँ पे जो लाइक है और डिसलाइक है वो अपने हिसाब से भी आइटम्स के नाम लिख सकते हो. Next one, circle the things you like to eat often. जो नीचे यहाँ पे कुछ आइटम्स के और ग्राम्स के नाम्स दिए हैं, तो जो हमको पसंद है, लाइक करते हैं, उस पर हमें सर्कल करना है. तो यहाँ पे राइस, व्हीट और मिलेट जो हमें पसंद है, इसी पे हमने राइट सर्कल किया है. नेक्स्ट वन, नेम द बर्ड्स वेयर डिड यू सी देयर, इन वाटर, ऑन द ट्रीज, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग. फर्स्ट वन स्पैरो, तो स्पैरो है ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग. सेकेंड वन पैरट, पैरट ऑन द ट्री, इन द हाउस और फ्लाइंग. क्रो ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड, फ्लाइंग. मैना ऑन द ट्री, ऑन द ग्राउंड और फ्लाइंग. पिजन ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस और फ्लाइंग. सारे बर्ड्स है उस वो वाटर वाले बर्ड्स यहाँ पे नहीं है. अगर कोई है जैसे कि डक, तो इन वाटर में राइट करना होता है. तो जो बर्ड्स है वो कहाँ हमें देखा है, वहाँ हम कहाँ रह सकता है, उसी हिसाब से हमें यहाँ पे जिस कॉलम में आता है वहाँ पे राइट करना है. तो यहाँ पे बच्चों आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है, और एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए तैयार हो जाओ. सेक्शन डी तक ख़त्म हो गया है. स्टूडेंट्स, आपको सेक्शन ए से डी तक का रिवीजन जो दिया है वो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए. और ज़रूरी नहीं है कि यही आपको इनमें से ही पूछा जाएगा, कुछ क्वेश्चन आगे के भी होंगे, यानी लेसन में से होंगे, लेकिन जो दिया है वही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है. थोड़ा अपना थिंक और दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा और अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा. बेस्ट ऑफ लक.